नमस्कार दोस्तों, क्या कोई केंद्रीय मंत्री बलात्कारियों और कातिलों की तरफदारी कर सकता है? क्या कोई केंद्रीय मंत्री यह कह सकता है कि दरिंदों की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं? जी हां, अगर पीड़ित का नाम बिल्किस बानो हो, मंत्री मोदी सरकार का हो, नेता बीजेपी का हो, तो वो ये भी कह सकता है। कह क्या सकता है, यही कहा भी है। बिल्किस बानो रेप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि बिल्किस बानो रेप केस के आरोपियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही दोषियों को रिहा किया गया है। रिमिशन पॉलिसी के तहत सभी दोषियों को जेल से छोड़ा गया है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की मौत हुई थी और गर्भवती बिल्किस का बलात्कार किया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन बलात्कारियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया था, जिनकी तस्वीरें आपने देखी। अब उस पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्री का बेशर्म बयान सामने आया है। मंत्री महोदय का नाम है प्रहलाद जोशी। एनडीटीवी से बात करते हुए जोशी जी ने कहा, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कितनी बेशर्मी से आप कैसे कह लेते कि कुछ भी गलत नहीं हुआ? वो महिला जिसके साथ ऐसी नाइंसाफी हुई, इतने पन्नों में दर्ज है सीबीआई की चार्जशीट, कुछ पन्ने हमने पढ़े हैं और पढ़ते वक्त किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते। एक छिपती छिपाती भागती जान बचाकर दंगों के दौरान अपने बच्चे और 3 साल के बच्चे और परिवार के साथ भागती महिला को कैसे घेरा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके परिवार का कत्लेआम हुआ, 3 साल की बेटी को उसके हाथ से छीनकर या पटक कर मार दिया गया, ये सारी कहानियां सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज और उन्हीं चार्जशीट के आधार पर उन गुनहगारों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिन गुनहगारों को बचाने की कोशिश तब भी मोदी सरकार के गुजरात पुलिस ने।